उन्होंने पूरे 5 साल गांव-गांव में घूमकर पार्टी को खड़ा किया। आज जब उनकी उपेक्षा हुई तो ये नतीजा सबके सामने है। ये कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से 1.5 साल में राजस्थान की सरकार ने जितने वायदे किए उस पर खरी नहीं उतरी, बेहतर होता किसानों के कर्जे माफ करते, अपराधों पर लगाम लगाते, बेरोजगारों को संबल देते, लेकिन एक भी काम नहीं किया सिवाय लिपापोती के, बयानबाजी के। और हद की बात है कि पूरी सरकारी मशीनरी इस पूरे 1.5 साल में कलेक्टर से लेकर चपरासी तक कोरोना के प्रबंधन की बजाय अशोक गहलोत जी की सरकार को बचाने में लगी हुई थी। इसलिए साफ तौर पर जाहिर है कि ये सरकार लोगों के मन से भी उतर गई और बहुमत का जो आंकड़ा था वो केवल बनावटी आंकड़ा दिखता है। अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे है, बहुत कुछ होना बाकी है। मन से उतरी हुई सरकार मुझे लगता है ज्यादा दिन चलती नहीं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास और ये सब मिलकर आरोप लगा रहे बीजेपी पर, इनको लेकर किस तरह की? वो पिछले, मैं यही तो कह रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से आरोप ही लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मेरी उनको नसीहत है कि काम करें आरोप लगाने की बजाय, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत अरसे से लगाते रहे हैं। उन आरोपों में कोई दम नहीं किसी तरीके से। वो आरोप हम पर लगा रहे थे और ये साबित हो गया झगड़ा उनका अपना था, अपना घर संभाल नहीं पाए, तोहमत हमारे ऊपर, हम यही तो कह रहे थे। उनके आलाकमान में दम होता, आलाकमान में किसी तरीके की सूझबूझ होती, उनमें कोई बुद्धि कौशल होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर यह साबित हो गया कि देश को चलाने में राष्ट्रवाद का विचार और राष्ट्रवाद के विचार के कारक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, ये देश पर एक अच्छा शासन चला सकती साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी कम से कम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बूते पर तो इस देश में राजनीतिक तौर पर लोगों के मनों में जगह नहीं बना सकती। एक बड़ा सवाल यह है, 110 विधायकों के लिए कहा जा रहा है कांग्रेस के पास अभी 110 विधायक, आप लोगों को लग रहा है कि हो जाएंगे? देखिए, वो उनकी अपनी गणित है, मैं तो पहले एक ही बात कह रहा हूं कि उन्होंने ये बराबर दावे किए कि हमारी पार्टी एकजुट है। जिस पार्टी के राज्यसभा में 124 वोट पड़े हों, 123 वोट पड़े, आज उसमें कम क्यों हुए, इसका जवाब दे दें। कम होने का कारण क्यों है, कम हुए हैं ये आंकड़ा सबके सामने जाहिर है। वो तो ये कह रहे थे कि हम पूरे एक हैं, हमें कोई खतरा नहीं। इनकम टैक्स की कार्रवाई को भी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है जो कार्रवाई हुई? देखिए, कोई महज संयोग होगा, ये एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इसके लिए ऐसा होता नहीं है कि आज कोई मन बनाया और सुबह दोपहर में छापे पड़ गए हों। इनके लिए पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरी कवायद होती है, उसके बाद इस किस्म की कार्रवाई होती है, जानते हैं।